हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती आठवीं कक्षा इस पुस्तक का दूसरी इकाई का चैप्टर 5 खेती से आई तब्दीलियां। इसके पहले हम चैप्टर 4 तक कर चुके हैं एक्सप्लेनेशंस विद क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 खेती से आई तब्दीलियां, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे बच्चे, आप सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये जो लेसन है, ये जो हमारे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। तो पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कुछ परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 नई दिल्ली में। परिचय, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम आदि। अब गद्य संबंधी, प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो लेखक है, इन्होंने क्या किया है, जो आदम बाबा का जो जमाना था उस जमाने से आज तक जो खेती में चेंजेस हुए हैं, खेती में कितने प्रकार की बदलाव आए हैं, उनका जो क्रमिक विकास हुआ है, उन्होंने इस पाठ में उसका वर्णन किया है। और यहाँ पर साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि अमीर और गरीब के मानदंड क्या है और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सब बातें उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र के द्वारा बताई है। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि जो उन्होंने उन्हें पहले खत लिखा था, उस खत में यानी कि पत्र में कामों के कुछ अलग अलग किए जाने का सॉल्यूशन बताया था। वो उन्होंने आगे कहा कि बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, यानी कि जब स्टोन एज मैन था तब आदमी क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ शिकार करता था और उनकी जो जिंदगी है वो सिर्फ शिकार करने पर ही गुजर बसर हुआ करती थी। उस वक्त काम बटे हुए न थे। जो काम है आज जो हम करते हैं, आप देखोगे आज हर काम है वो बटा हुआ है, पर उस जमाने में वो काम कोई भी बटा हुआ नहीं था। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। तो जितने भी आदमी थे, जितने भी मनुष्य थे, वो सब शिकार करते थे और शिकार करके मुश्किल से उन्हें इतना मिल पाता था कि वो उनका पेट है वो भर सके। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। तो जो लेखक है वो बताते हैं कि सबसे पहले जो काम का बंटवारा हुआ वो किसके बीच में हुआ होगा, मैन और वीमेन के बीच में हुआ होगा। औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी, मर्द शिकार करता होगा
और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। तो जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं, जो मर्द है यानी जो मैन है वो क्या करता होगा, शिकार करता होगा यानी कि हंट करता होगा, और जो विमेन है जो औरत है वो घर पे अपने बच्चों और जो पालतू जानवर है उनकी क्या करती थी, देखभाल करती होगी। पालतू जानवर क्या होते हैं बच्चों, जो डोमेस्टिकेट एनिमल्स होते हैं। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। जब आदमी ने क्या करना सीखा, खेती करना सीखा यानी फार्मिंग करना सीखा, तो बहुत सारी जो नई नई बातें हैं वो होती गई। तो पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो काम थे वो बहुत सारे हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते, कुछ खेती करते और हल चलाते। तो कुछ जो लोग थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। तो जैसे टाइम बदलता गया, टाइम आगे बढ़ता गया, तब जो इंसान है उन्होंने नए नए पेशे सीखे, मतलब नए नए काम सीखे, नए नए ऑक्यूपेशन सीखे, और उस ऑक्यूपेशन में वो क्या हो गए, एकदम पक्के हो गए, मतलब उसमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। अब खेती करने के कारण सबसे पहले तो हुआ कि जो काम थे वो बंट गए, और दूसरा क्या हुआ कि जो गांव है और कस्बे हैं वो बसने लगे। गांव आपको पता है विलेज होते हैं, और जो कस्बे होते हैं वो क्या होते हैं, गांवों से थोड़े बड़े होते हैं, बट जो शहर होते हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं। तो गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे यानी कि वहां पर लोग सेटल होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। जब इंसान ने खेती करना शुरू नहीं किया था तो वो कैसे लाइफ जीते थे, आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, स्टोन एज मैन में, कि वो वंडरिंग लाइफ स्पेंड करते थे, मतलब यहाँ वहाँ घूमते थे और शिकार करके अपना गुजर बसर करते थे। उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था, उनके लिए एक जगह जरूर रहना जरूरी नहीं था, उनके लिए कोई भी एक ऐसी फिक्स जगह नहीं थी, एक परमानेंट उनका सेटलमेंट नहीं था कि उनको वहीं पर रहना है। शिकार हर एक जगह मिल जाता था, जो शिकार होते थे वो कहीं पर भी मिल जाते थे, इजीली अवेलेबल थे, तो वो जहां उनका मन करता था वो वहां पर चले जाते थे, मतलब वंडरिंग लाइफ है वो स्पेंड करते थे, यहां से वहां रोमिंग करते थे वो। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। और सेकेंड रीजन उनको क्या था, जो उनके जानवर थे, उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, उनकी वजह से भी उन्हें यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी, क्योंकि ये जो जानवर है उनको खाने के लिए क्या चाहिए था बच्चों, घास चाहिए थी। तो घास उन वो कहाँ से चरते थे, ग्रासलैंड से चरते थे, मेडोज होते थे, वहां से वो मेडो से उनको जरूरत पड़ती थी। तो एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी। तो अगर एक जगह पर सारे जो जानवर है वो चरेंगे, घास खाएंगे, तो जो घास है वो इतनी जल्दी तो ग्रो नहीं हो पाती कि उनको इमीडिएट वापस से दूसरी घास मिल जाए। तो इसके लिए जब सारी जो घास है वो खत्म हो जाती थी तो वो क्या करते थे, वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जब फार्मिंग करने लगे तो उनको जमीन के पास में रहना जरूरी हो गया था। जमीन को जोत बो कर वे छोड़ नहीं सकते थे, मतलब कि जो जमीन थी, जो फार्म था, उसमें बीज बोकर वो छोड़कर यहाँ से वहां दूसरी जगह पर जा नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। तो साल भर तक उन्हें
अपने खेतों में काम करना ही पड़ता था। तो इस तरह से गांव है और जो शहर है वो बस गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। और दूसरी बात जो खेती करने से सबसे बड़ी हुआ, क्या हुआ कि जो लोगों का जो जिंदगी थी, जो लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। तो यानी कि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अनाज है मतलब जो फार्मिंग करना है वो ज्यादा इजी था कंपेयरिंग टू हंटिंग। हंटिंग करने में उनको ज्यादा मेहनत लगती थी और फार्मिंग करना उन लोगों के लिए उससे ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। तो जमीन जो खेती करते थे तब वहां पर इतना क्रॉप्स उनको मिलता था कि वो एकदम एक साथ में इतना अनाज है वो खा नहीं सकते थे। लेकिन जब हंटिंग करते थे, आपने देखा कि पहले दिया था कि जब हंटिंग करते थे तो उन्हें मुश्किल भर से उन्हें इतना मिलता था कि उनका जो पेट है वो भरता था। तो जो अनाज बचता था इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। जब आदमी सिर्फ निपट मतलब खाली सिर्फ ओनली शिकारी था, हंटर था, तब वह क्या अनाज को सॉरी खाने की जो चीजें हैं उनको जमा कर नहीं रख सकता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता था। तो उनके पास में बैंक नहीं थी जहां पर वो पैसे या अपने कुछ और सामान है वो रख सकते हैं। जैसे आज हमारे पास में लॉकर्स होते हैं बैंक में, तो हम अपनी जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो बैंक में जाकर लॉकर में रख देते हैं। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। तो अगर पेट भरना है तो रोज उनको शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि डेली शिकार करेंगे और डेली उनको खाना है। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था, और खेती करने में उन्हें एक ही फसल में जितना चाहिए उससे काफी ज्यादा मिलता था। अतिरिक्त खाने को वो जमा कर देता था। तो जो अतिरिक्त खाना था उसको वो क्या करता था, जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, अनाज को जमा करना शुरू कर दिया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। तो अब लेखक कहते हैं कि उनके पास में जो अतिरिक्त अनाज था वो क्यों जमा होता था, वो इसलिए जमा होता था कि वो कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना कि सिर्फ उन्हें पेट भरने के लिए जरूरत है। अगर वो थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो बस थोड़ा ही क्रॉप्स ग्रो करेंगे और वो अपना यूज कर लेंगे, खा लेंगे। लेकिन वो क्या करते थे, मेहनत ज्यादा करते थे। तो ज्यादा मेहनत करते थे तो ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होता था, और ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होता था, ज्यादा अनाज उत्पन्न होता था, तो वो जो अतिरिक्त अनाज है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ अनाज है, उसको वो क्या करते थे, जमा कर देते थे। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि तुम्हें आजकल मालूम है ना कि क्या खुल गए हैं, बैंक खुल गए हैं जहां पर लोग क्या करते हैं, अपने रुपए जमा करते हैं, मतलब एकत्रित करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और जब उन्हें वो पैसे वापस चाहिए तो उस वक्त वो पैसे उन लोग निकाल सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, तब उन्हें चेक लिख कर देना पड़ता है। आपने भी देखा होगा अपने घरों में भी, आपके पापा बैंक में से जब पैसे निकालने होते तो चेक लिख कर लेकर जाते हैं और बैंक से पैसा लेकर आते हैं। ये रुपया कहाँ से आता है, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है। तो वो पूछ रहे कि तुम्हें पता है कि जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से पैसा निकाल कर लाते हैं, तो वो बैंक से जो पैसा है वो इतना आता कहाँ से है। तो अगर वो तुम ध्यान से देखो,
अगर तुम इस बात पर विचार करो तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि यह क्या है? यह अतिरिक्त रुपये है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है। वह एक्स्ट्रा रुपए हैं जिसे लोगों को एक साथ में खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम बैंक में कौन से पैसे जमा करके आते हैं बच्चों? जो पैसे हम खर्च के लिए रख लेते हैं, उसके बाद में जो पैसे बचते हैं वही पैसे हम जाकर बैंक में जमा करते हैं। जो हमें जरूरत है उस पैसे को तो हम जमा नहीं करते। तो यानी वो क्या हुआ कि वो अभी इस वक्त हमें इन रुपयों की जरूरत नहीं है, तो वो पैसों को हम बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक वाले वही पैसे जब हम निकालते हैं तो हमें वापस करते हैं। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, तो इसे वो बैंक में रखते हैं। और मालदार कौन है? मालदार मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, वो कौन है? वही लोग हैं जिनके पास में बहुत सारा एक्स्ट्रा रुपए हैं। और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है, और जिनके पास में कुछ भी नहीं है वो क्या है बच्चों? वो गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। अब तुम्हें ये तो पता होगा कि जो अतिरिक्त रुपए हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। तो जो लेखक है वो क्या बता रहे हैं कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीबों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और ज्यादा पैसा कमाता है तो इसके लिए उनके पास में ज्यादा पैसे हैं। इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है, बल्कि इसका उलट क्या है? आज जो आदमी ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा पसीना बहाता है, उसके खाली हाथ रहना पड़ता है, और जो आदमी काम नहीं करता है तो और कम काम करता है उनके पास में बहुत अधिक पैसे होते हैं। कितना बुरा इंतजाम है, ये कितना बुरा इंतजाम है कि जो मेहनत कर रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो मालामाल है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। जब हम क्या समझते हैं कि बहुत बुरा इंतजाम किया हुआ है कि जो गरीब है वो तो बेचारा और गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। इसी कारण आज हमारे दुनिया में इतने गरीब लोग हैं, क्योंकि पैसे वाले तो बहुत कम लोग मिलेंगे लेकिन गरीब आपको ज्यादा मिलेंगे। अभी शायद तुम ये बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। तो जो लेखक है वो आगे क्या कह रहे हैं कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात अभी इस टाइम पर तुम्हें समझ में नहीं आए, तुम समझ नहीं सको, इसलिए इस पर ज्यादा विचार मत करो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। तो क्या कह रहे हैं कि थोड़े दिनों में तुम खुद ही इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था, यह जमा कर लिया जाता था। बस तुम ये टाइम पर तो तुम सिर्फ इतना समझो कि जब इंसान ने खेती करना शुरू किया तो उसे इतना अधिक अनाज मिलने लगा कि जिसे वो खा नहीं सकता था। तो वो जो अधिक अनाज होता था, जो अतिरिक्त अनाज होता था, वो क्या करता था? वो उस अनाज को जमा कर लेता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। आपको भी पता होगा कि जब स्टोन एज मैन थे, बहुत पुराने जमाने में, क्या बैंक्स भी नहीं थे और उस टाइम पे रुपए भी नहीं थे। तब तो क्या चलता था, याद होगा तो आपको, वहां पे तभी बार्टर सिस्टम था, तभी
क्या होते थे, लोग एक चीज को दूसरी चीज से बदला बदली करते थे, मतलब दे यूज टू एक्सचेंज इन काइंड। जिनके पास बहुत सी गाय, भेड़े, ऊन या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। तो अब उस जमाने में अमीर का क्या पैमाना था? अमीर वही लोग होते थे जिनके पास में बहुत सारी गायें होती थी, भेड़े होती थी, अनाज होता था। इन शॉर्ट वी कैन से कि जिनके पास बहुत सारा ज्यादा पालतू जानवर होते थे और बहुत सारा अनाज होता था, वही इंसान उस वक्त अमीर कहलाता था। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो इस पत्र में नेहरू जी ने अपनी पुत्री को क्या बताया है कि जो पुराने जमाने के जो लोग होते थे, आदि मानव जो लोग रहते थे, उनके रहन सहन का वर्णन किया है। और आगे ये भी बताया है कि मनुष्य ने खेती करना सीखा, और जब मनुष्य ने खेती करना सीखा तो धीरे धीरे वो क्या बन गए, हो गए सभ्य होने लगे, यानी सिविलाइजेशन का विकास होने लगा। और जो मानव समाज है, जो आज की दुनिया है, उसमें जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो दूरी है उस पर लेखक ने जोर दिया है, और उतना ही प्रकाश उन्होंने बचत प्रणाली पर भी ढाला है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो लेसन है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी वीडियो में इस प्रश्न के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले कुछ मुहावरों के अर्थ देख लेते हैं। खाली हाथ रहना, पास में कुछ न होना, सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ काम कई हिस्सों में बंट गए। आदमियों ने नए नए पेशे सीखे, गांव और कस्बे बने, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। काम का विभाजन इनमें हुआ, मर्द औरत। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास ये थे, गाय, भेड़ें, ऊंट, अनाज। कारण लिखिए, अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था क्योंकि कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन की सारी घास खत्म हो जाती थी। मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता क्योंकि मुश्किल से खाने भर को मिल पाता था। पहले लोगों के लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था क्योंकि शिकार हर एक जगह मिल जाता था। दुनिया में गरीब आदमी है क्योंकि दुनिया में बुरा इंतजाम है। लोग बैंक में रुपए रखते क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है। जानवरों को चराने की जगह चरागाह। विलोम शब्द लिखिए, मुश्किल आसान, नई पुरानी, अच्छा बुरा, आबाद बर्बाद। शब्द युग्म लिखिए, गजर बसर, इधर उधर, ज्यों ज्यों, घूमते फिरते। पर्यायवाची शब्द लिखिए, जानवर पशु, खेती कृषि, गांव ग्राम, शहर नगर। वचन बदलकर लिखिए, जाति जातियां, जमीन जमीने,
जिंदगी जिंदगियां, चीजें चीज। स्वमत लिखिए, कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ लिखिए। कृषि का मानव जीवन में विशेष महत्व है। कृषि ही मानव विकास का पहला सोपान था। कृषि में नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। नई तकनीक के जरिए कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाता है। सिंचाई के अनेक रूपों का उपयोग किया जाता है। बीजों की नई किस्मों का विकास किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। कृषि के भिन्न रूपों की पहचान करना, नई फसलें उगाना, जैसे औद्योगिक कृषि, सघन कृषि जिसमें अधिक पूंजी, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन लिया जाता है, आदि कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले नए प्रयोग हैं। इनसे कृषि क्षेत्र में क्रांति हुई है। सघन खेती में एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है। प्रमुख कृषि उत्पादों में मोटे तौर पर भोजन, अनाज, सब्जियां, फल, रेशा, कपास, ऊन, सन, रेशम, कच्चा माल, लकड़ी, बांस, दवाएं आदि शामिल है। खेती के कारण मनुष्य के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में अपने विचार लिखिए। आदि मानव आरंभ में खानाबदोश था। वे लोग भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था। लोग पेड़ों के फल फूल या जंगली पौधों पर ही जीवन निर्वाह करते थे। मनुष्य ने जब खेती करना सीख लिया तो उसके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। फसल बोकर उसके पास रहना आवश्यक हो गया, अतः उसने घर बनाना सीखा। अब उसे गुफाओं और पेड़ों की शाखाओं पर रहने की जरूरत नहीं रही। आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होने के कारण मनुष्य ने भंडारण करना सीखा। धीरे धीरे वह खेती में काम आने वाले पशुओं को पालने लगा। वे उसके साथी बन गए। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया, तो आगे चलकर सभ्यता के विकास का कारण बना। जीवन में बचत का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। मनुष्य को जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उसे सुख सुविधा प्रदान करने के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहता है। जीवन में विपत्ति किसी पर भी कभी भी आ सकती है। जो लोग भविष्य की चिंता किए बिना केवल वर्तमान में ही जीते हैं, उन्हें ऐसे समय में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर समझदार लोग आज की बचत कल का सुख सूत्र का पालन करते हैं। आकस्मिक विपत्ति के समय बचाया हुआ धन उन्हें दर दर भटकने और दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाता है। उनके पास भोजन की चिंता के स्थान पर नई नौकरी के प्रयास करने या व्यापार को पुनः स्थापित करने के लिए समय होता है। अतः हमारी जितनी भी आय हो, उसमें से कुछ राशि बचाकर रखने की आदत अवश्य होनी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने हमारा जो चैप्टर खेती से आई तब्दीलियां फिर क्वेश्चन आंसर्स के साथ में फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पोयम 6 अंधा युग के साथ, जिन्हें लिखे है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, और वीडियो को पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन।